गल करांगे लुट ते चोरी दीआं वारदातां दे बारे जो लगातार वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने। तुहानूं दस दिंदे आ कि आए दिन किते ना किते लुट ते चोरी दी वारदात नूं इन्हां चोर लुटेरियां दे वल्लों अंजाम दे ही दित्ता जांदा ते ताज़ा मामला पटियाला तो सामने आ रहा है जिथे पटियाला दे बिशन नगर दे विच एक घर दे विच चोरी हुई है जिथे चोरां दे वल्लों एक गरीब परिवार नूं भी नहीं बख्शा गया। देर रात घर दे विच वड़े हुए चोरां ने 22,000 रुपए नकदी अते घर दा बाकी समान चोरी कीता अते उत्थों मौके तो फरार हो जांदे ने ते घर दी मालक बीना राणी दे दसन अनुसार वह एक केयर टेकर दा काम करदी है जिस दे कारण वह घर दे विच नहीं सी ते उस दा बेटा जो कि एक फैक्टरी दे विच काम करदा वह भी रात दे समय घर नहीं सी। चोरी दी वारदात CCTV दे विच कैद हो चुकी है ते CCTV फुटेज दे आधार ते पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज करदे हुए अगली कार्रवाई शुरू कर दित्ती गई है। जो चोरी हुई उसके बारे में बता दो। चोरी हुई मोबाइल से जो तीन ते कुछ छोटे मोटे गहने से टोपस से रिंग से यहाँ से पैसे से 22,000 रुपए। कितना थी पैसा? 22,000। चोरी कब हुई है? रात नू 2 बजे दे 2:30 बजे दे बीच। आप कहाँ थे? नाइट ड्यूटी थे। मैं केयर टेकर का काम करती हूँ, नाइट ड्यूटी करती हूँ। आप अकेली रहते हो यहाँ? नहीं, मेरे बेटे नाल रहता है। बेटा भी फैक्ट्री से गया हुआ से दौलतपुर पिंड। घर में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। बाहर भी जिंदा लगा हुआ से घर में भी जिंदे लगे हुए से दोनों पास। कोई किसी पर शक नहीं? कभी नहीं हुआ किसी पर शक, ना कभी हमारे कभी किसी ने अकेली भी नहीं किसी ने उठाई ना कुछ करा। पहली बार हुआ है, जो घर वाला भी नहीं है मेरा, मैं तो अकेली रहती हूँ। कंप्लेंट कराई है पुलिस में? हाँ जी कराई है। अभी पुलिस पहुंची है? हाँ जी पहुंची है पुलिस। वीडियो वगैरह है CCTV कैमरे लगे कोई कैमरा? हाँ जी हाँ जी वो भी है। वीडियो भी दो कैमरे है। इधर वाला भी कैमरा चल रहा है, पीछे दुकान पे भी कैमरे थे। तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं, तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं, सामान लेते जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मुंह भी दिख रहे हैं उन्होंने। बैग हाथ से लिफाफा लेके सामान भर के जाते हुए कूद के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी कार्रवाई करते होंगे? क्या कहना चाहते सरकार? सरकार नु कहना चाहते कि आइंदा किसी गरीब दे घर से हम तो रात दिन काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो इन चीजों के लिए उनको रोका जाए। बहुत तरह कभी किसी गरीब दे घर ऐसा ना हो।